जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना मेरा प्यार न बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। वाह वाह, शानदार, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर प्रस्तुति। आपके इस गीत से पूरा रेडियो स्टूडियो भी तरंगित हो उठा है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुनीता भास्कर और आप सुन रहे हैं 91.2 FM पर बदलते शहर की धड़कन, हेलो हल्द्वानी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो। इस गीत को आप तक पहुंचाने वाले हैं मृत्युंजय पंवार और सुमित कुमार, जो कि रुड़की के रहने वाले हैं और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में म्यूजिक में MA के स्टूडेंट हैं। कार्यशाला के बाबत यहाँ पर आना हुआ तो हम आप सबके लिए श्रोताओं बहुत सारे राग, बहुत सारे गीत हमने आपके लिए रिकॉर्ड किए हैं। तो सबसे पहले इन दोनों कलाकारों का स्वागत करते हैं। मृत्युंजय जी, सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका रेडियो स्टेशन में। धन्यवाद। तो आज के इस एपिसोड में आपकी संगीत यात्रा को जानते हैं, ताकि इस बहाने तमाम सारे जो म्यूजिक के, संगीत के जो स्टूडेंट हैं उन तक भी आपकी बातें पहुँचेंगी, तो उनको भी नई सीख मिलेगी कि कहाँ से सीखना है, कैसे सीखना है। तो सबसे पहले मृत्युंजय जी के पास मैं आती हूँ। मृत्युंजय जी, बताइए बचपन से क्या शौक था गाने का, कैसे संगीत के फील्ड में आना हुआ? हाँ जी, शौक मुझे बचपन से ही था। मतलब मेरे घर में पापा जो हैं वो म्यूजिक, मतलब उन्हें शौक है, वो मतलब गाते थे पहले से ही, फ्लूट बजाते हैं मेनली वो। अच्छा, तो उनसे देख देख के मुझे थोड़ा मेरा इंटरेस्ट बनता गया। प्रोफेशनली गाते हैं या कुछ? नहीं, पापा वैसे पहले एयरफोर्स में थे। अच्छा। अब फिलहाल वो उत्तराखंड में लेक्चरर हैं। ओके। हाँ जी। अच्छा। तो लेकिन शौकिया तौर पे वो म्यूजिक बजाते हैं, बांसुरी, और ये तो उसे देख देख के फिर मेरा भी इंटरेस्ट बना। फिर मैंने हारमोनियम वगैरह बजानी शुरू करी, स्कूल में गाना शुरू किया। 12th तक आते आते वो बहुत ज्यादा अंदर से कि सीखना है, कुछ चीजें लगती थी कि ये कमी है मेरे अंदर, ये कमी है, ये कैसे करूँ। तो फिर सीखना शुरू किया, कुछ दिन रुड़की में सीखा, 2014 से सीखना शुरू किया था। अच्छा, तो क्लासिकल आपने सीखा? हाँ, 14 में फिर कुछ दिन सीखा है वहाँ पे। प्रॉपर ट्रेनिंग 2017 से शुरू हुई है अम्बाला में। अच्छा। निधि नारंग मैम के पास। ओके। हाँ, वहीं से मतलब मेनली वहीं से इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ। कौन है निधि नारंग जी, थोड़ा सा बताना चाहें हमारे? निधि नारंग मैम अम्बाला कैंट में है उनका, सुर मंदिर नाम से उनका अकेडमी है, और वो रहने वाली चंडीगढ़ से हैं। हाँ, उनके जो गुरुजी हैं वो आगरा घराने से थे, कुछ दिन पहले वो एक्सपायर हुए। ओके, ओके। हाँ, पंडित यशपाल। तो हाँ, आप इतना दूर अम्बाला उनके पास गए हैं, तो मतलब कुछ बात थी तभी आप इतना दूर गए। तो आसपास इस तरह के लोग नहीं मिल पाते हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो हमारे आसपास है ही नहीं कोई, नहीं उत्तराखंड में। नहीं, जो डेडिकेटेड क्लासिकल म्यूजिशियन कोई ऐसा शास्त्रीय संगीत सिखाने वाले जो लोग हैं वो यहाँ नहीं है। काफी पहले हम परेशान रहते थे कि कोई मिले, सर्च करते रहे तो यहाँ तो नहीं मिला। फिर एक टाइम ऐसा आया कि लगा कि जब म्यूजिक ही करना है तो यहाँ नहीं तो कहीं और से ही करना तो है जी। तो फिर इधर उधर ढूंढना स्टार्ट किया। तो तब एक शो के थ्रू, एक परिणीति चोपड़ा असल में हमारी जो गुरुमा है उनकी स्टूडेंट रही है, सबसे पहली स्टूडेंट वही है। अच्छा। तो उनका एक हमने इंडियाज गॉट टैलेंट में देखा था, आए थे वो, तो तब उन्होंने उनका नाम वहाँ बोला तो हमें लगा अच्छा ये है कोई अम्बाला में, तो तब हमने सर्च किया, उनसे बात की, तब हम फिर वहाँ गए। अच्छा। और ये हमारा सौभाग्य रहा है कि क्योंकि वो ऐसे सबको नहीं सिखाते हैं, सुनते हैं, अगर ठीक लगता है, हाँ कर सकता है तो वो सिखाते हैं। तो ये सौभाग्य रहा हमारा कि हमें उन्होंने बुलाया अपने पास, अपने सानिध्य में रखा, और उन्हीं का आशीर्वाद भी है। और जितना भी सिखाते हैं कोशिश करते हैं कि हम कुछ एक कण भी कर पाए। क्या बात है। तो बस तो सुमित जी, आप बताइए आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? वैसे मैं किसान फैमिली से हूँ, मतलब खेती करते हैं घर में पापा, तो ऐसा तो कोई बैकग्राउंड था नहीं पहले। बचपन से शौक तो रहा है, पहले गाने सुनते थे जैसे सभी सुनते हैं,
किसी किसी के अंदर होता है कि वो थोड़ा ज़्यादा उस अपने आप को उससे जोड़ के चलता है कि शायद मैं भी एक दिन सिंगर बनूं या फिर मैं भी ऐसे दिखूं जैसे सिंगर गाते हैं, दिखते हैं, लोग उनसे चाहते हैं मिलना या उनको सुनना। तो एक चाह थी, फिर धीरे धीरे बड़े हुए तो पता लगा नहीं पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो पढ़े, पढ़ने में कुछ खास नहीं थे। फिर 10th 12th तक आए तो थोड़ा सा एक उधर भी रुझान बढ़ा और कोशिश की कि चलो पढ़ाई में अच्छा करें, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा वैसा नहीं था। हम ऐसे मतलब घर से नहीं आते थे कि फुली हम मतलब पूरा म्यूजिक को ही करें या घर वाले इतना सपोर्ट करें। हाँ, क्योंकि आर्थिक स्थिति और ऐसी वहाँ पे कोई व्यवस्था या ऐसे कोई टीचर भी नहीं थे कि आसपास हो, चलो भाई आप यहाँ सीख लो। बिल्कुल, तो वैसा कुछ था नहीं। तो फिर ये था कि चलो भाई आप पहले पढ़ो लिखो, कामयाब हो, कम से कम रोजी रोटी कमाने लायक हो जाओ जी। तो फिर मैं ऐसे 12th की, फिर बीटेक किया। बीटेक के बाद फिर मैं बीटेक किया आपने, मैकेनिकल इंजीनियर रहा हूँ सत्यम करके एक हीरो ग्रुप में, कंपनी है हरिद्वार में सिडकुल में, वहाँ पे जॉब की है डेढ़ दो साल। उससे पहले एक वेंडर कंपनी थी महिंद्रा का, काम करती थी रुड़की में, वहाँ करता था। तो लगभग 4 साल जॉब करने के बाद अपने शौक की तरफ लौटे हैं। हाँ जी, MBA भी किया फिर मैंने यही उत्तराखंड ओपन से। MBA भी जॉब करते करते MBA कर लिया था। अरे वाह, क्या बात है। फिर मुझे ये लगा कि मतलब जॉब में इतनी व्यस्तता आ गई कि या तो आपको अगर म्यूजिक में जाना है तो फिर म्यूजिक ही करना पड़ेगा या फिर सब कुछ छोड़ के आप जो भी करो, क्योंकि समय नहीं मिलता था, बस आप सो जाओ और या ड्यूटी करो। तो एक टाइम ये आया कि एक चीज़ मुझे चूज करनी थी, तो मैंने जॉब छोड़ दी और मैं म्यूजिक में आ गया पूरी तरह से। क्या बात है। फिर ऐसे ही पढ़ाई भी उसके बाद आपने विशारद प्रभाकर किया है या आने के बाद, मतलब बीटेक एमबीए करने के बाद बात किया ये सब? फिर मैंने विशारद किया, फिर पता लगा कि ये कुछ जगह मान्य नहीं है। चीज़ें पता लगी जैसे वैकेंसी निकलते हैं उत्तराखंड में भी, तो लास्ट वैकेंसी अराउंड 2016 के आसपास निकली थी। तो तब उसमें हमने देखा कि वहाँ तो उसका नाम नहीं है विशारद का, जैसे अलग अलग है, प्रयाग संगीत समिति कराती है, प्रभाकर कराती है, प्राचीन कला केंद्र विशारद कराती है, और गंधर्व महाविद्यालय से अलंकार होता है, ऐसे ही 11 से 12 यूनिवर्सिटीज हैं ऑल ओवर इंडिया। लेकिन अभी क्या हो गया है कि बच्चों को जानकारी नहीं है। सेंटर तो खुले हैं और चल रहे हैं, लोग वहाँ से कर भी रहे हैं, लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं है। फायदे से मीन्स ये है कि हर कोई इसलिए करता है कि मुझे आगे चल के जॉब मिलेगी, करियर के तौर पे मैं ले सकता हूँ इस चीज को, और वहाँ पे मान्य नहीं है क्योंकि उसमें धांधलियाँ भी होती हैं। धांधलियाँ मीन्स ये है कि प्रॉपर तरीके से नहीं होता कि आपको प्रॉपर चीजें सिखाई जा रही हैं या फिर एग्जाम आपका प्रॉपर हो रहा है। बहुत ज्यादा सेंटर खुलने से दिक्कत आई है। हाँ जी, क्योंकि वो थोड़ा सा ना उसका कमर्शियलाइजेशन हो गया, वैसे हो गया कि एक बिजनेस की तरह से लोगों ने लिया, और उनका यही रहा है कि मतलब पैसे कमाए बस। एक म्यूजिक नहीं रह गया, तो संगीत है, वो तो आपको पीछे धकेल देगा अगर आप गलत तरीकों से उसे धन अर्जित करना चाहोगे उससे। क्या बात है। तो उस तरीके से लोगों ने किया है, इसी वजह से ये हुआ है कि इस बार जो केंद्रीय विद्यालय ने वैकेंसी निकाली है उसमें उन्होंने एक नोटिफिकेशन में एक लाइन दी है कि सिर्फ BA म्यूजिक जिसने 3 साल म्यूजिक पढ़ा है रेगुलर वो ही एलिजिबल, वो ले सकता है आप, मतलब वो फॉर्म भर सकता है, अदरवाइज कोई दूसरा। विशारद, प्रभाकर, अलंकार, इनके कहीं नाम नहीं है। तो ये बहुत बड़ी सदमे वाली खबर है एक तरह से देखें म्यूजिक करने वालों के लिए, विशारद वालों के लिए। बिल्कुल, अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं। हमें तो देखो जो चीज हमने अनुभव की है तो हमारी कोशिश यही रहती है अगर कोई हमें ऐसा मिलता है, भले ही अभी हमारी MA की वर्कशॉप चल रही थी यूनिवर्सिटी में, तो कुछ लोग ऐसे मिले जो अभी एडमिशन हुआ है, उनका BA नहीं किया, तो हमने उनको यही सजेस्ट किया। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका सेंटर चल रहा है कि आप कम से कम किसी का फ्यूचर खराब ना करो, क्योंकि अगला जो आदमी है जो आपके यहाँ आ रहा है वो करियर के तौर पे आपके यहाँ से कर रहा है, नहीं तो उसे क्या फायदा उस चीज से। एक कलाकार बनना एक अलग जर्नी है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक जो तो मृत्युंजय जी, क्या लग रहा है फिर इस तरह के संस्थान सेंटर्स क्या धीरे धीरे करके लुप्त हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे या क्या होगा? क्योंकि मकसद मेन तो जॉब पाना ही होता है लोगों का ना, तो जब जॉब के लिए वो डिग्री मानी ही नहीं होगी तो फिर लगभग बंद ही हो जाएंगे। बिल्कुल, होने भी लगे हैं। होने भी लगे। हम भी अधिकतर लोगों को, मतलब जो स्टूडेंट हैं नए जो कर रहे हैं अभी, उन्हें यही सजेस्ट करते हैं कि आप रेगुलर BA करो उसमें जाने की बजाय, क्योंकि वहाँ पे 6 साल शौकी आपको सीखना है कुछ है तो आप चले जाइए। कलाकार आपको बनना है तो आपको गुरु के सानिध्य में आपको रह के सीखना पड़ेगा, प्रॉपर रियाज करना पड़ेगा, वो आपको एकेडमिक्स से नहीं मिलेगा। जी जी जी। तो अगर म्यूजिक से BA MA करना चाहें तो उत्तराखंड में कहाँ कहाँ है अवसर, वहाँ के यहाँ के कॉलेजेस में होगा BA MA? उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी
सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म हमें जो लगा है क्योंकि हमारा अपना अनुभव रहा है, तो यहाँ टीचर अच्छे हैं, डिपार्टमेंट अच्छा है, काफी सपोर्टिव सिखाने वाले हैं और गुणी हैं काफी, तो जो लोग यहाँ हैं शायद आपको दूसरी जगह ना मिले, ऐसा नहीं है कि सब जगह नहीं है, अच्छे लोग भी हैं। एक देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में है, वहाँ भी रेगुलर कोर्सेज में चलता है बीए में, और अब तो कॉलेजेस में रुड़की में भी एक दो में है, दूसरी जगहों पे भी है, अल्मोड़ा कैंपस में भी शायद है, वहाँ पे भी, वहाँ भी है, यूनिवर्सिटीज में भी है, हरिद्वार में भी है एसजेएमएन कॉलेज, वहाँ पे भी अब तो बहुत सारी जगह है। या तो आप रेगुलर करिए बीए में, या आप रेगुलर नहीं कर सकते तो डिस्टेंस मोड से आप यहाँ से कर सकते हैं, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से। अगर आप कहीं सीख रहे हैं, घर में रियाज कर रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा माध्यम है आपके। जो लोग किसी दूसरे बिजनेस में या फिर दूसरा उनका मतलब काम दूसरा है, कुछ और करते हैं और म्यूजिक में आना चाहते हैं, प्रोफेशनली उस चीज को लेना चाहते हैं करियर के तौर पर, तो ओपन से कर सकते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे कुछ एज बैरियर भी नहीं है, नहीं है, सही बात है। हमारे साथ अभी दो लोग हैं जो अराउंड 55 ईयर हैं, अच्छा, एमए कर रहे हैं, अच्छा, उनका आज प्रैक्टिकल हुआ है, तो जी जी, तो उनके लिए यहीं के दरवाजे खुले हो सकते हैं ना ओपन यूनिवर्सिटी के। तो आप तो इसमें करियर की अगर संभावनाओं की बात करें म्यूजिक की फील्ड में, तो कुछ बताइए कहाँ कहाँ कर सकते हैं अप्लाई इसमें। आजकल क्या है कि सीबीएसई की तरफ से गाइडलाइन है कि आपको म्यूजिक टीचर रखना ही रखना है, क्योंकि म्यूजिक को कंपलसरी उन्होंने सब्जेक्ट के तौर पे लिया है, नई शिक्षा नीति में भी काफी बात हुई उसकी, बिल्कुल। और जो हमारे राज्य हैं जैसे उत्तराखंड है या यूपी है, इनमें भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में निकलती हैं वैकेंसी, एलटी ग्रेड पे भी निकलती हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय में भी नेशनल लेवल पे निकली हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उसमें निकलती हैं, नवोदय विद्यालय में निकलती हैं, अभी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल करके EMRS करके है, आदिवासी का है वो, छात्र शिक्षा समिति करके, तो उसमें भी वैकेंसी निकली हैं। तो और आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो आप एमए और नेट जेआरएफ करिए, आप उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं हायर एजुकेशन में। और आप कलाकार बनना है तो आप लाइव परफॉर्म कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल चला सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो सकते हैं, आप ट्यूशन दे सकते हैं, आप स्कूल कॉलेजेस पकड़ सकते हैं, मतलब इतनी संभावना है। आप प्रोडक्शन में जा सकते हैं, आप साउंड इंजीनियरिंग कर सकते हैं, और आप स्टूडियो वर्क वैसे कर सकते हैं, एज ए रिकॉर्डिस्ट भी आप काम कर सकते हैं, और गायक के तौर पे आप इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हैं तो इंस्ट्रूमेंट के तौर पे आपको सिखाने का भी मौका मिलता है, और आप कॉलेजेस या दूसरी जगह बहुत सारी संभावना है। और आजकल पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को चाहते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वो लोग सीखें, तो अब होम ट्यूशन की भी संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पहले से अभी एक जागरूकता है इस चीज को लेके, क्योंकि म्यूजिक थेरेपी के नाम से भी एक चीज पे अभी रिसर्च चल रही है, अच्छा, और लोग ठीक भी हो रहे हैं उससे, उसमें मतलब प्रोसेस है ज्यादा डिटेल, तो क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ अभी, तो कोशिश करता हूँ जानने की, लेकिन उसका है कि म्यूजिक से वाइब्रेशंस और उनके थ्रू लोग ठीक हो रहे हैं, अच्छा। तो उसमें कुछ जैसे हमें गुरु लोगों से पता लगा है, सेम वो चीज बता रहा हूँ, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता कि उसमें वाइब्रेशंस के तौर पे क्या है कि राग गा गा के किस राग से क्या वाइब्रेशंस और क्या चेंजेस उसमें हो रहे हैं जो मरीज है, किस बीमारी को तो, किस राग से ठीक किया जा सकता है, तो उस तरह के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीका ठीक करने का, और वो कारगर भी हो रहे हैं, कुछ लोग ठीक भी हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं। हाँ, अभी कोमा से बाहर आए, अच्छा, साउथ इंडिया में, साउथ में ज्यादा चीजें हो रही हैं। तो संगीत तो मतलब अद्भुत है, अगर कहें संगीत की ताकत, तो आप लोगों को सपोर्ट मिलता है, आपके आसपास के लोग अप्रिशिएट करते हैं, आप लोग इतना अच्छा गा रहे हैं, चैनल भी आप लोगों के हैं, मृत्युंजय पंवार नाम से और सुमित कुमार सुमित छोकर के नाम से, आपका चैनल है जी। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है चैनल के लिए, कितना डेली सप्ताह में कब कब आप उसमें अपलोड करते हैं? इसमें कंटिन्यूटी का आप एक पूरा खेल है, क्योंकि सोशल मीडिया है और उनका यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है उसमें है कि आपको आप कंटिन्यू रहें, आप लगातार अगर वीडियोज अपलोड करते हैं, भले ही आप महीने में एक करें या दो करें, वो तो आपकी मर्जी है, या आप दो महीने में एक करें, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वीडियो डालने की वो रहे, तो ठीक है, आपका चैनल भी ग्रो होगा, लोगों तक पहुंचेगी चीज। क्योंकि एक चीज ये होना कि मेरा चैनल नहीं चल रहा है, और एक ये होना कि आप प्रॉपर अच्छे कलाकार हैं, आपने अच्छा सीखा है, सबसे पहले तो ये है कि हमें चीजें आनी चाहिए, अपना काम आए, जब हमारा काम हमें आता है तो आज नहीं कल लोगों तक पहुंचेगा। फिर पसंद ना पसंद की बात तब आती है, मान लिया मेरी जो चीज है, मेरी जो कला है, वो लोगों तक नहीं पहुंच रही है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि लोगों को पसंद नहीं आ रही है? वो 1000 लोगों को पहुंचे तो पता लगेगा कि उसमें से 10 लोगों ने पसंद किया है, 50 ने या 100 ने नहीं किया है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो एक फीडबैक अलग चीज है, बिल्कुल, बिल्कुल। पहले वो लोगों तक पहुंचे,
और उसके लिए आपको जो आप जो भी फील्ड आपका है म्यूजिक में आप जो भी काम करते हैं आप उसमें जितना हो सकता है पॉसिबल है आप अच्छे से सीखें और फिर आप सोशल मीडिया पे आए। जी क्या बात है, तो सोशल मीडिया ने एक बड़ा अच्छा मंच दिया है प्रतिभाओं को ना। तो जो जैसे गुरुओं के जरिए आप लोग जो सीखते हैं उस तरह का डेमोक्रेटिक माहौल हो पाता है या एक घरानों वाली जो गुरु से परंपरा है थोड़ा लगता है कि थोड़ा सा कंजर्वेटिव माहौल वहाँ पर होता होगा, तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है कि स्टूडेंट की बात भी सुनी जाए उससे भी सीखा जा सकता है। अब तो हमारी शिक्षा नीति यही कहती है ना कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है कि भाई बच्चे से भी गुरु सीखता है, दोनों दो तरफा प्रोसेस है ना, ऐसा माहौल रहता है वहाँ पे सीखने में। बिल्कुल जी, हमारे तो खुद जो हमारे गुरु है वो मतलब बहुत खुले हैं हर चीज को लेकर, ऐसा नहीं है ना कोई बाउंडेशन है ना कुछ है, हम अपनी बात रख सकते हैं, कुछ पूछना है बिल्कुल एक एज ए फ्रेंड वो ट्रीट करते हैं हमको, बहुत फ्रेंडली, जबकि हमारे वो गार्जियन की तरह हैं, उनके बच्चे भी हमसे बड़े हैं, लेकिन वो अच्छे से एक चीज़ सिखाते हैं और अगर कुछ डाउट है या फिर हम दूसरी चीज़ चाहते हैं गाना तो वो सुनते हैं, कमियां जो लगती है वो बताते हैं, करेक्शंस कराते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ यही गानी है। जी जी बिल्कुल। अच्छा थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट आप लाएँ, तानपुरा, आपने इलेक्ट्रिक तानपुरा लिया हुआ है, एडवांसमेंट क्या क्या हुए हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के फील्ड में कुछ बताइए कि किन किन बेसिक किन किन इंस्ट्रूमेंट की आपको सहारा लेना पड़ता है आपको? तानपुरा जो है वो सीखने के लिए सबसे बेसिक वो है, मतलब जब आप सीखना शुरू करते हैं खासकर क्लासिकल म्यूज़िक तो जैसे सात स्वर होते हैं सारे गामा पा धा नी सा, तो उसका बेस स्वर है सा, अगर सा आपका मतलब बिल्कुल सही नोट लग रहा है तो सारे सुर आप साध सकते हो, अगर सा साध लिया तो सारे सत जाएंगे। अच्छा। ऐसा है। तो तानपुरे से दो स्वर निकलते हैं, एक सा एक पा। अच्छा। तो वो दोनों जो हैं वो अचल स्वर हैं, मतलब बाकी सब के वेरिएंट हैं अलग अलग, लेकिन ये दो अचल स्वर हैं तो इनके बेस पे हम सारे नोट लगा सकते हैं। तो तानपुरे का यूज़ सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक में ज़्यादा है शुरुआत में, बाकी इंस्ट्रूमेंट में और फिर तो वोकल से जैसे इलेक्ट्रिक तानपुरा है पहले से मैनुअल। मैनुअल में क्या है कि जैसे मान लिया आपको कहीं जाना है, आप कैरी नहीं आप कर गायक सकते हैं और आपको रियाज भी करना है चाहिए, तो आप इसे क्या है कि छोटा सा है बैग में डालेंगे और चले जाएंगे, पूरा तानपुरा इतना बड़ा लेके आप जाएंगे तो एक तो वो कैरी करना बड़ा मुश्किल है, फिर हैंडलिंग में ये प्रॉब्लम है, कहीं आप ट्रेवलिंग करते टाइम कहीं इधर उधर लग गया टूट गया तो आपका नुकसान भी होगा और आप करेंगे क्या फिर, तो ये मतलब कैरी करना एक बहुत इजी हो गया, आजकल तो मोबाइल में सब इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अच्छा अगर ये भी नहीं है तो मोबाइल से भी आपका काम चल सकता है। मोबाइल से जैसे आपके सामने हमने तबला चला रखा, तबला चलाया तो उसमें तानपुरा भी है तबला भी है, तो ये क्या एप्लीकेशंस होते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं सर? एप्लीकेशन आई प्रो तबला करके आता है। अच्छा। सबसे बढ़िया आजकल नंबर एक एप्लीकेशन है क्वालिटी वाइज आई तबला प्रो। और बाकी दूसरी एप्लीकेशंस भी हैं तो बहुत सारी हैं, सर्च करके यूज कर सकते हैं, बहुत महंगी नहीं है। मान लिया वैसे तानपुरा लेंगे 6,000-7,000-8,000 का मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक भी ये मिल जाएगा 2,500 का आपको और लाइफ टाइम के लिए अपडेट सारे इसमें जब भी आएंगे तो मिलते रहेंगे। अच्छा तो एक तरह से टेक्नोलॉजी के विकास ने चीजों को आम जन के लिए ज्यादा सहज और पहुँच तक बनाया है ना। बिल्कुल, इतनी अगर पहुँच नहीं है खरीद नहीं सकते हैं तो आप लेकिन इन माध्यमों के जरिए आप तक पहुंच उनकी हो रही है। पहले से चीजें काफी छोटी हो गई हैं, जैसे पहले कंप्यूटर बड़े बड़े कमरे जितने हुआ करते थे, अभी आप कुछ भी चीजें लेने जाओ जैसे पियानो, एक ग्रैंड पियानो होता है वो कमरे जितना ही एक स्पेस चाहिए उसको, लेकिन अभी आप डिजिटल पियानो लेके आ जाओ तो वो जैसे कीबोर्ड उससे थोड़ा सा बड़ा है, बस उतना ही है लगभग, सेम साउंड आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से जैसे रिकॉर्डिंग में इंटरफेस होता है छोटा सा, पहले बड़े बड़े होते थे जैसे मिक्सर है आपका, तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, चिप सिस्टम आ गया पहले से ना, पहले पूरा एक एनालॉग सिस्टम था। जी जी जी। तो धीरे धीरे चीजें टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, एक से एक चीजें आती हैं, अभी हम कीबोर्ड को जानते हैं, एक सी बोर्ड भी होता है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं जानते हैं। क्या बात है, कोशिश करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से, चैट जीपीटी के आने से भी कुछ खतरे लग रहे हैं म्यूजिक को आप लोगों की गायकी के लिए? नहीं, उसमें देखो आपको कुछ एक ऐसा टेक्सचर चाहिए जो आपको शायद कहीं नहीं मिल रहा है, आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे ले सकते हैं उसको, लेकिन जो आपका फ्लेवर है वो एआई नहीं दे सकता। अभी हम जो पुराने जो कुछ सिंगर जैसे के हैं रहे हैं, मतलब एक्सपायर हो गए, वो इतने अच्छे सिंगर थे, उनकी आवाज नए गानों में फिट करके वैसे आ रही है, लेकिन जो एक फ्लेवर किसी सिंगर का होता है जैसे स्टाइल जो होता है वो चीज उसमें झलकती है।
जो म्यूजिशियन है वो उसे तो साफ पता लगता है। हाँ, आप आवाज के तौर पे उस चीज को ले सकते हैं, तो कलाकार को उससे कोई, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई नुकसान है, कोई ऐसा है कि उसकी वजह से आपके जीवन पे फर्क पड़ेगा या आपको नुकसान होगा। अच्छा, जो रिमिक्स का जो दौर आया ना लंबा सा, तो उसने क्या मूल को कुछ चोट पहुंचाई कुछ? जी बिल्कुल, ये बताएंगे कुछ, बाकी मेरे पास बहुत है बताने को। इसमें रिमिक्स आप थोड़ी देर के लिए सुन सकते हैं, वो एक शांतिप्रद वाला माहौल नहीं क्रिएट कर सकता। उसे आप एक एंजॉय करने के तरीके, आदमी पार्टी के तौर पे से यूज करता है या ठीक है एट मोमेंट, वो किसी दिन आया और एक दिन दो दिन या हो सकता है साल भर चला और गायब हो गया, वो सिर्फ उसकी क्वालिटी पे ही वो करता है कि वो एक मोमेंट्री, वो ऐसी चीजें हैं जो ये चलती फिरती रहती हैं, आज ये आई कल ये आई परसों ये आई। अगर आपको अच्छा करना है तो आपको म्यूजिक अच्छा अपने अंदर से लाना पड़ेगा, अच्छे से सीखना पड़ेगा, उसमें उसे महसूस करना पड़ेगा। जब तक वो आत्मा से नहीं आएगा तो वो टिकेगा नहीं, और ये चीज़ें आत्मीयता वाली नहीं है, जो कि ये रिमिक्स होना और ये रैप सॉन्ग ठीक है, वो एक वेरिएंट है गायकी का, अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं कहता कि वो बुरी चीज़ है, लेकिन हम अगर ऐसा कर दें कि रैप ही रैप चल रहा है तो कहीं ना कहीं एक डिमोटिवेशन है उन लोगों के लिए जो अच्छे कलाकार हैं, जिन्हें एक इज्जत मिलनी चाहिए, एक पद मिलना चाहिए, वो उसे डिजर्व करते हैं, उसके लायक हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा लगता है। जो नहीं है तो वो तो सीख रहे हैं, कर रहे हैं, हम तो खैर अभी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, लेकिन जो अपना अनुभव है, जो फील करते हैं, वो आपको बता रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बात आपने साझा की, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और काफी एडवांस आप लोग मैकेनिकल इंजीनियर आप हैं रहे हैं, और इतने अच्छे घरानों से आप लोग सीख रहे हैं गुरुओं से। तो कुछ और संदेश हो हमारे तमाम सुनने वाले जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं उसमें से, श्रोता भी हैं, तो कुछ चलते चलते कहना चाहें या कुछ गुनगुनाना चाहें? हाँ, हमारा एक खुद का उद्देश्य भी यही है जो हमने गुरुओं से सीखा या सीखते हैं, कि म्यूजिक का, संगीत का जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार हो उतना अच्छा है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये इसलिए भी है कि जिसके कानों तक पहुंचता है, भले ही वो संगीत का ज्ञान नहीं रखता है, वो कंफर्टेबल फील करता है, रिलैक्स महसूस करता है। तो जब आपको एक ट्रीटमेंट की तरह, ये एक आपको दवाई नहीं लेनी पड़ रही है किसी चीज़ की, आप म्यूजिक सुन के अगर ठीक हो जा रहे हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है आपके लिए जी। ये बिल्कुल एक नेचुरल ट्रीटमेंट है आपके लिए। तो आपका कहना है कि घरों में इस तरह का माहौल बनाइए, भले ही आप कुछ बच्चों छोटे बच्चों में आदत डालिए, सुबह सुबह अच्छा संगीत घर में लगाइए, है ना? आप भजन सुन सकते हैं, आप शास्त्रीय के शौकीन हैं या पसंद करते हैं वो, आप वैरायटी में कुछ भी सुन सकते हैं, आपके घर में संगीत हो वो तो है वैसे तो विद्वान प्रकृति में, लेकिन आप एक डायरेक्ट रूप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप सुने और सबको सुनाएं। बिल्कुल, तो उससे आप महसूस करेंगे कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिविटी आई है, घर की कलह की सब खत्म हो गए जी, बिल्कुल, उससे आपका मानसिक संतुलन भी अच्छा रहेगा, घर के लोगों का चित्त शांत है, एकाग्रता बढ़ेगी, बच्चे सुनेंगे तो अच्छी चीजें सुनाइए आप, म्यूजिक में अच्छी अच्छी चीजें हैं, आप सुनोगे ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल, तो बस हम यही, अभी तो फिलहाल हर हाथ में मोबाइल है, उसमें रील चल रही है, ये माहौल है, तो इससे हटाने के लिए म्यूजिक एक अच्छा अल्टरनेट है, है ना? तो बहुत शुक्रिया तुम्हें जी और मृत्युंजय जी, और बहुत वक्त दिया आपने हमारे श्रोताओं के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो हमें जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से, फेसबुक पेज है, इंस्टा अकाउंट है, आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो इसी के साथ मृत्युंजय जी के साथ में, सुमित जी के साथ में, अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत, नमस्कार।